श्री विद्याधर्म प्रचारिणी नेपाली समिति वाराणसी द्वारा 16 मार्च शनिवार को परांकृत स्मृति सभागार गोलघर में मदन स्मारक सम्मान प्रदान समारोह स्थानीय नेपाली सहित प्रेमियों की उपस्थिति में उल्लासपूर्वक संपन्न हुआ। यह सम्मान नेपाल के प्रधानमंत्री के सुपुत्र मदन शमशेर की शनि जगदम्बा ने अपने पति की स्मृति में स्थापित किया। नेपाल में इसे मदन पुरस्कार के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त है और भारत में नेपाली साहित्यकारों एवं साहित्य सेवियों को दिया जाने वाला यह सम्मान मदन स्मारक सम्मान से जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष दिया जाने वाला यह सम्मान इस वर्ष सन 2022 के लिए दिल कुमारी भंडारी भूतपूर्व सांसद सिक्किम को तथा 2023 के लिए सुनीता दाहाल को प्रदान किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. हरिप्रसाद अधिकारी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के प्राध्यापक ने किया। समारोह में परंपरा का निर्वाह करते हुए नेपाल से रूपा दीक्षित प्रबुद्ध समाज सेविका तथा यूनेस्को की नेपाल संचालिका एवं हिंदी एवं नेपाली के साहित्यकार दुग्धीशाद जेठ की गरिमामयी उपस्थिति थी। पुरस्कार जो है जो भारत में भारतीय नेपाली जो नेपाली साहित्य के संबंध में जो बहुत अच्छा काम करता है उसको पुरस्कृत किया जाता है और अभी आपने देखा कि ये 80 के दशक से जो है 20-30 लोग इससे पुरस्कृत हो चुके हैं। भारत के विभिन्न स्थानों के अच्छे अच्छे लोग जो है अभी इस सत्र में जो है आदरणीय डॉक्टर दिल कुमारी भंडारी जी जो आई हैं, ये पूर्व सांसद हैं सिक्किम की और नेपाली भाषा को 8वीं सूची में लाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। 90 के दशक में आपने दिल्ली में मांग किया था और आज नेपाली भाषा